हेलो दोस्तों, मैं विवेक सिंह। ये आप सामने देख रहे हैं लील गाय है, हम लोग इसको कहते हैं रोज। साइबेरियन पक्षी से मिलने देख रहे हैं हम लोग आगे चल के कि क्या सच में साइबेरियन पक्षी है कि कौन से पक्षी है। छोरा गंगा किनारे वाला। दोस्तों आप लोगों ने गंगा जी का किनारा देखा, अब ये पहाड़ी का किनारा देखिए। सब लोग स्टैचू हो चुके हैं, फ्रीज हो चुके हैं, जम चुके हैं। पहाड़ों का जलवा, कैमरा खोलते ही सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। स्टिंग ऑपरेशन। दोस्तों मैं विवेक सिंह, ये देखिए गंगा जी का किनारा, पहचानिए कौन सा जगह है। अगर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अगर जिंदा है तो बताइएगा। और सामने आप लोग देख ही रहे हैं ये कौन से प्राणी है। ये है लील गाय, रोज घर रोज जो भी समझिए। और क्या किया जाए दोस्तों, आप लोग कुछ कमेंट करते ही नहीं है। सब्सक्राइब हो रहा है, कौन लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं पता नहीं। मुझको इससे कोई एलर्जी नहीं है, जो सब्सक्राइब कर रहा है भैया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। बहारोग जलवा को जो सब्सक्राइब कर रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए हम है, और इधर हमारे भाई रजत भाई हैं, ये भी मज़ा ले रहे हैं। बस बोल रहे हैं यहाँ चटाई की कमी है चटाई की कमी है। तो भाइयों अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो को थोड़ा लाइक कमेंट करो यार। और थोड़ा सा हम लोगों को भी ये नहीं होता है कि एकदम वीडियो डाला ही जाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अमीर यूट्यूबर टाइप है। हाँ तो ये लोकेशन आप लोगों को कैसा लगा? पार्टी उटी के हिसाब से, शांति के हिसाब से बहुत बेहतरीन जगह है ये। तो हो सके तो यार कमेंट करें कुछ आप लोग। गंगा जी किनारे पर ये भी हम लोगों के साथ आराम फरमा रहे हैं, सिवान का मजा ले रहे हैं। अब देखिए हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा गंगा जी के किनारे, साइबेरियन पक्षी से मिलने देख रहे हैं हम लोग आगे चल के कि क्या सच में साइबेरियन पक्षी है कि कौन से पक्षी है। अभी जूम तो करके दिखाने की सोच रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ से वो दिख रहे होंगे आप लोगों को, इतना जूम नहीं हो पा रहा है। और जूम करते हैं, देखते हैं। आइए वहीं पे हम लोग चल रहे हैं। हाँ हम हैं, रजत भाई हैं। लगभग शाम का टाइम हो गया है, इस समय 3-4 बज रहा होगा। देखिए आज मौसम भी ठीक है, पछुआ हवा चल रहा है। ये देखिए एकदम बेहतरीन जगह। उधर देख रहे हैं, उधर वो सब भी अपन नामू पबरी कर रहे हैं। दोस्तों यही लोग ब्लॉग में दिखाते हैं, वीडियो में दिखाते हैं, सब दीदे फाड़ के देखते हैं, आँख फाड़ के देखते हैं। और हम लोग दिखाते हैं तो कोई देखने वाला ही नहीं यार। 15-20-50 कोई देख भी रहा है तो कोई कमेंट भी करने वाला नहीं है कि हाँ यार अच्छा बुरा क्या कैसे। यार घर द्वार संपत्ति थोड़ी कोई का लूट ले रहे हैं पता नहीं किस मोड़ पे भैया नारायण मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, छोरा गंगा किनारे वाला। ये है बहारों का जलवा। सामने उधर देख रहे हैं चुनार का किला भी दिख रहा है। अभी हम लोग आप लोगों को पक्षी दिखाने चल रहे हैं, सब लोग देखे ही होंगे। अब देखते हैं हम लोग समझ पाते कि नहीं कौन से पक्षी हैं। बस नज़दीक आने वाले हैं, हम लोग नहीं बता पाए तो आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन से पक्षी हैं। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो चरवाहा है दोस्तों, अपन गैया गोरू को चराते हुए खिलाते पिलाते हुए। ये हम लोग हैं, पता नहीं थपड़वा लौक रहा है कि नहीं, देखते हैं थोड़ा सा। साइबेरियन पक्षी के नाम पे उन्हें देख के भाग गए यार हमने के नहीं, वो ब्लैक वाला कुछ और है ना, इधर आके पक्षी लगे थे ना नहीं यार कौवा नहीं यार।
अरे यार हम लोग आए यहाँ पे उड़ गए। ये देखो कीचड़ में कमल का फूल फूला है, कमल का फूल नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने गंगा जी का किनारा देखा, अब ये पहाड़ी का किनारा देखिए। सब लोग स्टैचू हो चुके हैं, फ्रीज हो चुके हैं, जम चुके हैं। मजाक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग थोड़ा पहली बारिश हुई थी तो हम लोग आए थे यहाँ, थोड़ा जगह को पहचानिए और बताइए कमेंट में अगर देख रहे हैं वीडियो को तो। लोग काफी दिनों बाद मिले हैं तो अपना अपना गिला सिकुआ, अपना अपना गिला सिकुआ बात कर रहे हैं भाई। काफी दिनों बाद मिले हैं, पहचानिए, आसानी से पहचानिए और बताइए कौन कौन लोग हैं। तो पूर्वांचल का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, सभी सभी लोग हैं, सज्जन लोग हैं, पहुंचे हुए फकीर हैं। कल गंगा जी के कछार देखे थे आप लोग, देखेंगे। और ये पहाड़ी एरिया देख लीजिए, और ये रोड है, ये देखिए। दोस्तों चाकू दीपक के गाड़ी में है, दीपक अपने गाड़ी में से चाकू निकालो, दीपक अपने गाड़ी में से चाकू निकालो। दोस्तों सामने ये है फनलैंड, लेकिन हम लोग फनलैंड में नहीं है, हम लोग फनलैंड के बाहर मजा ले रहे हैं। फनलैंड के बाहर ये भेड़ी कुसमी के पास में पड़ता है फनलैंड वाटर सफारी। अरे चाकू रामपुरी कुछ है कि मैं आऊं ऊपर? कक्कू तुम्हारी माँ की भैंस। आई एम विवेक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विवेक सिंह। दोस्तों भगवान ने हम लोगों को ललचाया कि मैं बरस रहा हूँ, तो हम लोग बाहर निकल पड़े पिकनिक के लिए, लेकिन भगवान फिर विलुप्त हो गए, यानी बरसना ही बंद कर दिए। तो क्या करें, हम लोग निकल पड़े थे, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई, ये हुआ कि पहली बारिश है तो थोड़ा पिकनिक सिकनिक हो जाए। ये शरीफ अपने संगी साथी लोग हैं, भूले बिछड़े तीन हुए हैं। ये आप लोग अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, मैं इसको वीडियो में काटूंगा नहीं, मैं तो ईमानदारों से ही बोल रहा हूँ। पहचानिए कौन सा जगह है, मैं बता दूं क्या पहचानेंगे आप लोग, कोई बोलेगा ही नहीं, कोई कमेंट ही नहीं करेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये भेड़ी कुछ भी है, और ये कुछ हमारे संगी साथी हैं, शरीफ लोग नीचे बैठे हैं जो घूमते घूमते थक चुके हैं, पहचानिए अगर इस शख्स को आप लोग पहचानते हो तो। और वो ये एडियस ये बहुत, ये सबसे शरीफ आदमी है। हेलो दोस्तों, ये है फनलैंड जो आपके सामने दिख रहा है, और ये भेड़ी कुसमी है जिस पहाड़ी से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये भेड़ी कुसमी है, अभी जमकर बारिश हो नहीं रही है, जहाँ बारिश हो गई जहाँ चाप के आप कहीं भी पिकनिक मना सकते हैं। दोस्तों ये है बहारों का जलवा, बहारों का जलवा यानी प्रकृति रिलेटेड मैंने ये चैनल
ये नाम रखा था घूमने टहलने से रिलेटेड मैं वीडियो डालूँगा। तो जैसे ही भगवान का बारिश अच्छा होने लगेगा ये सारा एरिया हरा भरा हो सकता है। आप अनारस बनारस से कहीं से भी आ रहे हैं कहीं भी अपनी गाड़ी रोक सकते हैं। फन लाइन के सामने वाले पहाड़ी पे मैं हूँ। उधर सामने है तरंगा, एक पानी की टंकी भी पड़ती है, आप लोग देख सकते हैं। ये इस पहाड़ी के ऊपर मैं हूँ, एकदम फन लाइन के सामने जो पहाड़ी है। देख रहे हैं वाइड एंगल, पानी टंकी बोले तो वो सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देख रहे हैं तरंगा पानी की टंकी जो चढ़ाई पड़ती है, भैरी कुसुम के बाद फनलैंड पड़ता है, उसके बाद यही चढ़ाई पड़ती है, उसी चढ़ाई पे ये पानी टंकी है जहाँ का आप ये वीडियो देख सकते हैं। सामने वो देखिए ये फैक्ट्री है, और एक फैक्ट्री वो है। ये वही बिंद पर्वत है, उसी बिंद पर्वत के ऊपर खड़ा हूँ। तो आप नीचे रोड से देखेंगे तो यही पेड़ दिखाई पड़ेगा, आप लोग ध्यान से देखिए। यही पेड़ दिखाई देगा आपको नीचे रोड से। आइला आइला, अब हम लोग नीचे उतरते हुए, दोस्तों ये वीडियो मिर्ज़ापुर चुनार जिला मिर्ज़ापुर चुनार उत्तर प्रदेश का है, अमेरिका का नहीं है। मैं एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं उतर रहा हूँ। दोस्तों मेरी एक ही शिकायत है आप सभी लोगों से कि आप लोग ऐसे किसी भी प्राकृतिक जगह पर अगर घूमने आ रहे हैं तो यार शीशा काज मत फोड़ो भाई लोग, बहुत शीशा काज आप लोग फोड़े हैं। ये देखिए बियर का सब काज फूटा हुआ है, ऐसा मत करिए दोस्तों। आइए घूमिए ठहरिए, लेकिन यार इतना अति मत करिए। प्रकृति को देखने आते हैं, प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाते हैं। खैर ये हम लोगों की गाड़ी है,